दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे अपग्रेड MSI लैपटॉप की रैम को। यहाँ पे मैंने परचेस करी है 16 GB की एक अलग से रैम, 16 GB की ऑलरेडी इसमें लगी हुई है और 16 GB की और मैंने कॉर्सर की परचेस करी है। तो ये मैं इसमें रैम आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें अपग्रेड कर सकते हैं, पूरा इसको खोल के और खुद ही अपग्रेड करूंगा। तो अगर आपके पास कोई लैपटॉप है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास MSI का होना ज़रूरी है, कोई भी लैपटॉप अगर आपके पास है तो प्रोसेस पूरी सेम है, खोलना इसी तरीके से। पर अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, तभी आप आपके लैपटॉप को हाथ लगाएं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आपके लैपटॉप को डैमेज कर सकते हैं, साथ में रैम भी डैमेज हो जाएगी। तो अगर आपको ये लैपटॉप की रैम अपग्रेड करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है लैपटॉप की रैम अपग्रेड करते टाइम, वो सब कुछ मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में आफ्टर दिस इंट्रो। अब दोस्तों लैपटॉप को अपग्रेड करने से पहले आपको आपके पास ये टूल होना चाहिए। ये टूल क्या काम आएगी, स्क्रू रहते हैं, बहुत सारे स्क्रू रहते हैं लैपटॉप में बैक में, वो खोलने के लिए ये टूल काम आएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने जितने भी लैपटॉप की रैम अपग्रेड करी है, हार्ड ड्राइव अपग्रेड करी है, फ़ैन भी मैंने साफ़ किए, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे होंगे, तो ये टूल से किए हैं, आपको पता होगा इस टूल के बारे में। अगर आपके पास ये नहीं है और आपको ख़रीदना है तो इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके इसको भी बाय कर सकते हैं। अब लैपटॉप में अपग्रेड करने से पहले कुछ बातें होती है जो मैं बता दूं आपको। जैसे कि ये लैपटॉप है तो इसको सबसे पहले शट डाउन करना पड़ेगा, ये नॉर्मल सी बात है, ये तो आपको पता होगी। उसके बाद आपको रैम अगर आप बाय कर रहे हैं तो वो ईजिली, ऐसा नहीं है कि 16 GB की रैम चाहिए या 8 GB की रैम चाहिए तो डायरेक्टली जाके अमेज़ोन पर 8 GB रैम और टाइप किया और जो रैम आई उनमें से कुछ एक रैम ली और बाय कर ली, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, अदरवाइज़ आपके लैपटॉप में वो रैम चलेगी नहीं। आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो कि आपके इसमें कौन सी रैम वर्जन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे DDR3 भी होती है, DDR4 भी होती है। DDR3 में क्या होता है, DDR3 थोड़ी पुरानी है, अगर आपका लैपटॉप थोड़ा पुराना है यानी कि 3 साल या 2 साल पहले का लैपटॉप है तो DDR3 उसमें लगती थी। अब ये चेक कैसे करेंगे, CPU Z करके एक एप्लीकेशन आती है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपकी DDR3 रैम है या DDR4 रैम है। अब CPU Z में आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी फ्रिक्वेंसी पे आपकी रैम वर्क कर रही है, फ्रिक्वेंसी भी अलग होती है। अगर DDR3 है तो 2133 MHz की फ्रिक्वेंसी होगी मैक्सिमम उसकी, और अगर DDR4 है तो 2100 से लेके 3200 तक की फ्रिक्वेंसी होती है उसमें। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो DDR4 वाली रैम है, DDR4 में भी 2400 MHz वाली रैम इसमें यूज़ करी है मैंने, तो 16 GB। अब ये बातें इतनी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी रैम करूँ, आप मुझे बताइए, कमेंट करिए इस वीडियो में नीचे, मैं आपकी हेल्प करूँगा पूरी। और अभी ये इतनी बातें ध्यान रखिए। और एक और बात कि अगर आप सिस्टम की रैम अपग्रेड कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, सिस्टम की रैम थोड़ी सी बड़ी आती है साइज़ में और उसमें भी जो पिन होती है वो थोड़ी कम होती है, और जो लैपटॉप की रैम होती है वो थोड़ी छोटी भी आती है और उसमें पिन थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, रैम छोटी पिन ज़्यादा, थोड़ा सा समझ जाएंगे आप। अब हम इसकी स्क्रू खोलते हैं, बहुत सारे स्क्रू हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इसमें मुझे टाइम लगेगा, तो स्क्रू खोल के आपको बताता हूँ अंदर के कैसे आप इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा लैपटॉप जो है वो खुल चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये खुल चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये रैम देखिए, आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पर रैम दिख जाएगी, ये रैम जो है यहाँ पर लगी हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम ये वाली रैम जो है मैं दूसरी लेके आया था सेम फ्रिक्वेंसी की, वो रैम हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे एक और स्लॉट खाली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके इसमें भी स्लॉट खाली है या नहीं, स्लॉट खाली होगा तो ऑब्वियस ही बात है आपके इसमें रैम लग जाएगी, स्लॉट खाली नहीं होगा तो नहीं लगेगी। तो प्रॉब्ली लगभग सभी लैपटॉप में स्लॉट खाली होते हैं। तो सबसे पहले, अब ये तो हो गई बात, पर सबसे पहले अगर आपकी इंटरनल बैटरी, जैसे कि मेरे लैपटॉप में इंटरनल बैटरी थी, तो सबसे पहले आपको बैटरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आप बात ध्यान रखिए कि आपको बैटरी निकालनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ क्या होगा, दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले ये जो है बैटरी होती है इसकी, इंटरनल बैटरी, ये निकाल दीजिए, फिर उसके बाद लैपटॉप को हाथ लगाइए, अदरवाइज़ क्या होता है पावर रहता है लैपटॉप में तो दिक्कत दे सकती है। तो अगर आपको कुछ फ़ैन वगैरह साफ़ करना है या फिर और कुछ करना है तो वो अदर बात, दूसरी बात है। जैसे ये हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव चेंज करना है तो ये कर सकते हैं, बट अभी हमको कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ हमको यहाँ पर ये जो रैम है आप देख पा रहे हैं यही लगानी है, तो ये इंसर्ट कर देंगे। तो ये देखिए ऐसे जाइए, तो रैम इंसर्ट करने के लिए थोड़ा सा और पास आ जाइए। यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो है ये मैच होना चाहिए, ये और ये, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये और ये होल रैम का, ये और ये मैच होना चाहिए। तो जैसे ही आप इसमें ऊपर की तरफ ऐसे डालेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ से ऐसे डाली मैच करके, और फिर हल्की सी इसको नीचे दबा दूंगा तो कट की आवाज़ आएगी और रैम लग जाएगी, सिर्फ इतना करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कट की आवाज़ आएगी, रैम लग गई। तो ये एक ऑलरेडी रैम थी,
ये हमने रैम लगा दी, तो अब दो रैम हो गई, तो 16 16 32 GB की रैम हो गई है इसमें। बस अब कुछ नहीं करना है हमको, लैपटॉप को पैक करना है और फिर मैं इसको चालू करके बताऊंगा आपको 32 GB की रैम इसमें। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमने अपग्रेड कर लिया है सिस्टम में और यहाँ पर 32 GB बता रहा है पूरा टोटल। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंस्टॉल मेमोरी रैम 32 GB। अब 32 GB में से 31.9 GB अवेलेबल है, यूजेबल है, मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आपकी रैम को अपग्रेड कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आपके पास ये वाला लैपटॉप है तो, और अगर फिर भी कोई भी दूसरा लैपटॉप भी है तो भी आप इस तरह से इसको रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। और मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है वो भी मैंने बता दी है इसमें। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर से रिप्लाई करूँगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है सब बनाने में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियोस लाते रहता हूँ और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपको पसंद आते हैं वो भी मैं आपको देते रहता हूँ इसी चैनल पे। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।